हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चावल का एक छोटा सा उपाय जो बनाएगा आपको मालामाल, लेकिन ये उपाय आपको नए साल से पहले करना होगा। दोस्तों, पैसा या धन केवल अभी नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी था। उस समय सोने चांदी की असरफियाँ लेन देन में उपयोग होते थे, सोने चांदी के जेवर होते थे, अमीर गरीब भी होते थे, लोग अमीर बनने की कोशिश भी बहुत करते थे। तब मेहनत के साथ लोग चमत्कार उपाय भी कुछ करते थे। काफ़ी लोग ऐसे उपाय करते थे जिनसे उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती थी। उस समय लोग चावल से मालामाल होने के चमत्कारी उपाय करते थे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है अखंडित, मतलब जो टूटा हुआ न हो, यानी वो चावल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णता का प्रतीक है। इसी वजह से सभी प्रकार के पूजन कर्म में भगवान को चावल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। चावल का ये उपाय इस प्रकार है। किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा लें। अब उस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 दाने रखें। ध्यान रहे चावल के सभी 21 दाने पूरी तरह से अखंडित होने चाहिए। यदि कोई टूटा हुआ दाना हो तो उसे अलग कर दें और उसकी जगह नया पूरा दाना डाल दें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। इसके लिए हल्दी में थोड़ा पानी डालें। अब गीली हल्दी में चावल के 21 दाने डालें। इसके बाद अच्छे से चावल को हल्दी में रंग लें। चावल रंग जाए तब इन्हें सुखा लें। इस प्रकार तैयार हुए पीले चावल का उपयोग करें। अब इन 21 पीले चावल को लाल कपड़े में बांध लें। उसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजन के बाद ये लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की आप पर कृपा होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई न रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियां नहीं रखनी चाहिए और नोट के साथ बिल या कोई अन्य पेपर ना रखें। दोस्तों, इस लाल कपड़े में बंधे हुए चावल को 10 दिन तक अपने पर्स में रखें और ये ध्यान रखें कि इसके बारे में किसी को बताएं ना, अन्यथा यह उपाय तपूर्वक नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये उपाय करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चावल और लाल कपड़ा हमारे घर में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस उपाय को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।